बिल्कुल, देखिए अब तक जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो देखे थे वो उनके अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए थे। इस बार ये रोड शो उनकी काशी में उनके बतौर प्रत्याशी रोड शो है, तो वो भी भव्य तैयारी। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा बनारस का दिल, यानी के गुदौलिया चौराहा किस तरीके से सजा दिया गया है, सवार दिया गया है। इसके बाद मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि एक तस्वीर दिखाएं उस होर्डिंग की, उस होर्डिंग की से आप समझिए जिसमें लिखा है हमार काशी हमार मोदी, यानी के जो काशी का भाव है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी काशी, तो काशी के भाव के साथ, काशी की जो सभ्यता संस्कृति है उसके साथ मोदी जुड़े हैं। और लोग किस तरीके से तैयार है, ये रोड शो मोदी का नहीं लोग का है। तो गुरु कहाँ दावत हुआ? जा रहे भोजन लेने। तो बढ़िया सजल हो रोडी, कहाँ हो गुरु माहौल इस वक्त बनारस के? बहुत बढ़िया है, विजुअल दिखा रहा है। मोदी आएगा, मोदी आएगा। मैडम कहाँ से आई आप? हम कटनी से। क्या लग रहा है रोड शो को देख के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मोदी के लिए क्या कहेंगी? मोदी तो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है, अपनी बार 400 पार कहे गुरु, कहे माता, ये 400 पार कहा दूंगा भैया, कहे 400 पार। विकास हो रहा है। तो गुरु विकास भालो, यही लिए भव्य रोड शो होगा। बनारस बन गया। अरे तो बनारस बन गया हो और यही बात है रोड शो हो, तो हम और भी लोगों से बात करें। गुरु जी आप लोगों ने अपने पूरी दुकानों को घरों को सजाया है, काहे आज? आज मोदी जी का रोड शो है, अब की बार 400 पार से भी पार जाना है। अगर मोदी है तो देश और राष्ट्र। देखिए बनारस की जनता खासा उत्साहित नजर आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। आस्था कौशिक भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। आस्था, ये वो दिन होता है जिसका इंतजार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। वो कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि काशी मेरे दिल के बेहद करीब है। कैसी तैयारियां आप अपने आसपास देख रही हैं और साथ ही लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं आज? जी जी बिल्कुल, जबरदस्त तैयारी है, या यूं कह लीजिए कि काशी पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। वो प्रधानमंत्री जो यहाँ से दो बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार एक बार फिर से यहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि थोड़ी सी तस्वीरें दिखाए। हर चौक चौराहे की सजावट इसी तर्ज पर की गई है, केसरिया रंग के कपड़े, केसरिया रंग के बैलून्स और केसरिया रंग के फूलों से सजावट चौक चौराहों पर की गई है। कुल 7 से 8 चौराहों पर जहां जहां प्रधानमंत्री का रोड शो होकर गुजरेगा इसी तरह की सजावट आपको देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, जो केसरिया रंग है उसी थीम के फूल भी लगाए गए हैं। जो गेंदे के फूल हैं, 10,000 किलो गेंदे के फूलों की खरीद हुई है जगह जगह सजावट के लिए और 5,000 किलो गुलाब के फूल खरीदे गए हैं। लेकिन उस सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काशीवासी क्या सोच रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं और बातचीत करते हैं कि वो कितने उत्साहित हैं और क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर सांसद जो काम किया वाराणसी में वो उससे खुश है। मोदी जी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें पूरी हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? वो जरूर जीतेंगे, इतना पूरा विश्वास है हमें उनके पे, पूरे विश्वास के साथ जीतेंगे वो। आज रोड शो होने जा रहा है, कितना उत्साहित है? 5 किलोमीटर बनारस की सड़कों पर होंगे आज पीएम। हम बहुत उत्साहित है, हम चाहे मोदी जी हर बार जीते, बस उम्मीद है उनसे हमें। अच्छा, आपको उम्मीद है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए आप बताइए, आज प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है, तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हर हर मोदी, घर घर मोदी, वही आएंगे और 400 प्लस रहेगा। ऐसा क्यों है, आपको क्या पसंद है उनके काम काज? उनका हर एक चीज, उनका काम करने का तरीका और जो जिस तरीके से वो काम करते हैं एकदम बहुत अच्छे से। बनारस के लिए मोदी जी ने क्या किया? बहुत कुछ करा है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या करा है उन्होंने, बहुत कुछ करा है। आप बताइए, आप बनारस में रहते हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है, क्या किया है बनारस के लिए बताओ? बनारस के लिए बरेली का हूँ, मेरे यहाँ वोट हो चुका है। वोट हो चुका है, तो बनारस कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आइए उनसे जानते हैं, आप बताइए मोदी जी ने बतौर सांसद बनारस के लिए क्या किया है? बनारस में मोदी जी ने बहुत कुछ काम किया, मैं तो रोज गंगा जी नहाता था तो लाशें बहती थी, इंतजार करते थे नहाने के लिए। आज देखिए गंगा जी स्वच्छ हो गई और काशी विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, कॉरिडोर देख लीजिए, यहाँ की सड़कें देख लीजिए, अब आस पास के सारे धाम देख लीजिए, बहुत काम किया जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। गलियों का शहर है बनारस, तो गली गली तक विकास और सफाई पहुँची है कि नहीं? यस ऑफ कोर्स, वैसे मोदी जी इज बेस्ट विक्ट्री। क्यों क्यों ऐसा, आप बतौर व्यक्तित्व? सोच बहुत अच्छा है, थिंकिंग एंड उसका करियर क्रम भी बहुत अच्छा है, सोचते अच्छा, देश के लिए सबके लिए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं एक्चुअली कलकत्ता की। अच्छा, आप पश्चिम बंगाल से आई हैं और मोदी जी को सपोर्ट कर रही हैं? मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ। आपको क्या पसंद है उनके काम काज में? सब कुछ,
अच्छा। बताइए मुझे एक दो बातें जो आपको इतना अपील करती हैं कि आप तो लग रहा है जैसे फैन हो गई हैं। फैन नहीं, इसका वो सोचते हैं सबके बारे में मेरे ख्याल से। सो आई वॉन्ट हिम बैक अगेन, सो दिस माई थॉट, आई कैन से एवरीबॉडी इज ओके। कुछ बच्चों से बात करते हैं। आप बनारस के रहने वाले हैं, आइए आइए बच्चे। वैसे तो आप दोनों वोटर्स नहीं होंगे लेकिन भविष्य है आप देश का, मोदी जी को लेकर क्या सोचना है आपका? मतलब मोदी जी हर एक जगह विकास कर रहे हैं, गली गली में विकास पहुंच रहा है मोदी जी का। हर तो आज मोदी जी फिर से आ रहे हैं बनारस, बहुत अच्छी बात है। अगर हम 18 होंगे तो मोदी जी को वोट देंगे। आस्था लौटेंगे अनूप गुप्ता के पास चलेंगे जो कि वाराणसी से हमारे साथ लाइव मौजूद है। अनूप गुप्ता, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक एक प्रत्याशी के लिए जमकर प्रचार किया। प्रधानमंत्री के लिए किसी प्रचार की जरूरत नहीं है क्योंकि आस्था भी हमें वहां से जितने भी लोगों के रिएक्शन दे रही है सबके मुंह में एक ही बात है, मोदी है तो मुमकिन है। अनूप, नहीं बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके से वाराणसी का विकास हुआ है ये काम बोलता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से सांसद चुनकर वो आए उसके बाद से ही न केवल वो खुद लगातार यहाँ के विकास पर लगे रहे बल्कि उन्होंने जो केंद्र के मंत्री हैं उनको भी टास्क दिया और जिस तरीके से विकास हुआ, काशी कॉरिडोर का निर्माण ये अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरी बात, जिस बात का जिक्र अभी तमाम हमारे सहयोगी कर रहे थे, ये सकरी गलियों का शहर है उसके बावजूद जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से सौंदर्यीकरण किया गया, जिस तरीके से यहाँ का विकास हुआ है, इस चौराहा में एक वक्त होता था जब चौराहा में आपको आपको चलने की भी जगह नहीं होती थी लेकिन बहुत ही आराम से लोग यहाँ से आ जा सकते हैं। देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है और ऐसे में पूरा ये जो चौक है यहाँ से लेकर के दशाश्वमेध घाट, इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरह से विकास हुआ वो अपने आप में बहुत बड़ा विकास कह सकते हैं। यही वजह है कि जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार नहीं, प्रधानमंत्री का काम, प्रधानमंत्री का विकास, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बिल्कुल अनूप, और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पूरी जो बनारस है, काशी है, वो भगवामय हो चुकी है और अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से अजय राय चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में वाराणसी का विकास नहीं हुआ है, केवल ड्रोन से विकास दिखाया जा रहा है। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, कल नॉमिनेशन भी फाइल कर रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सबसे टफ सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो काशी का व्यक्ति हूँ, काशी का बेटा हूँ, काशी का लाल और काशी के सुख दुख के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी, माँ गंगा के तट पे बसी हुई नगरी है और हम सब लोग काशी के लाल हैं, काशी के सुख दुख के साथ खड़े रहते हैं। केवल चुनावी यहाँ जुमलेबाजी करने नहीं आते या केवल चुनावी मार्केटिंग करने नहीं आते, ये तो हमारी धरती है, नगरी है, इसी धरती में पैदा हुआ हूँ, इसी धरती की मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन लेकिन ये टफ सीट तो है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधे टक्कर लेना, आपको लगता है कि बड़ी चुनौती के लिए आप तैयार हो गए हैं? कोई टफ नहीं है, काशी का लाल काशी के लोगों के साथ खड़ा है। हवा पानी जितना बनाना था बना लिए, एक कल कारखाना नहीं लगा, एक लोगों को काम नहीं मिला, तो अजय राय को आप सुन रहे थे। लेकिन देखिए अमनदीप, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि जो तस्वीरें वाराणसी से आ रही है, जो लोगों में उत्सव और जोश देखा जा रहा है, उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि पीएम जो है, मोदी जो है, वो तीसरी बार पीएम बन गए हैं बजाय कि यहाँ मतदान हो। बहरहाल न्यूज 18 पर आप ये बड़ी कवरेज लगातार देखते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, बूथ पर पहुंचने में वोटर्स को दिक्कत हो रही है। शाहजहांपुर में भी लगातार बारिश हो रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज बारिश तूफान जिससे पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं तो मतदान हो नहीं पा रहा है ठीक ढंग से। एक तरफ चरचराती धूप है तो वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश और तूफान है, दोनों ही तरफ आप कहिए कि मतदान जो है प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने जो हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लखीमपुर खीरी से, जहां पर मतदान जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है तेज तूफान बारिश की वजह से।
और कानपुर देहात में ईवीएम खराब हो गई है। कल्याणपुर के बूथ नंबर 190 की ईवीएम खराब हो गई है। ईवीएम खराब होने से मतदान रुक गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगह से ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि कुछ देर तक मतदान जरूर प्रभावित रहता है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द जो दिनेश प्रताप सिंह